अभी अभी मेरे एक टीचर से बात हो रहा था, तो वो क्लास 6 स्टूडेंट पढ़ाता है एक स्कूल में। मैं तो कोचिंग में पढ़ाता हूँ, वो तो फिर भी सैलरी अच्छा है कोचिंग में। लेकिन इस टीचर से जिससे बात हो रहा था, उसको सैलरी मिलता है आपका 10,000 रुपये। 10,000 रुपये, आप सोचिए, जो लोग आप टीचिंग जॉब के लिए सोच रहे हैं कि टीचर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, बहुत कॉशियसली आप लोग स्टेप लेना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में अगर आपको जॉब करना है तो सोचो कि काम ख़त्म, सैलरी बहुत कम, और सैलरी कम तो कम स्टैगनेंट रहेगा, ठीक है, सैलरी एकदम स्टैगनेंट रहेगा। कोचिंग पे फिर भी सैलरी एटलीस्ट बेटर देन प्राइवेट स्कूल है, और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो चलो ठीक है, लेकिन ये BA MA फिर BEd या BSc MSc BEd, ऐसे ये सब डिग्री करने से पहले 10 बार 100 बार 1,000 बार सोचना। और मैं तो कहता हूँ आप लोग 18 साल, अगर अगर आपका गवर्नमेंट जॉब या टीचिंग जॉब ये सब आपका अगर एम है, तो दया करके 18 साल से किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन आप करना चालू कीजिए। देखोगे देखोगे 3 4 साल काफ़ी होता है, इनफैक्ट 1 साल ही काफ़ी होता है, लेकिन 3 4 साल में जब पढ़ने का मेन रिदम होता है, आप लोग कोई भी एक एग्ज़ाम कवर कर दोगे, और उस मोमेंटम में आपको किसी ना किसी जॉब मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट जॉब। और फिर आपको अगर टीचर बनना है तो डिग्री विग्री ले लेना, फिर हो जाना, लेकिन पहले एक छोटा मोटा ही हो, कि छोटा मोटा ही क्यों ना हो, एक जॉब हाथ में ले लेना है। टीचर बनना, अगर प्राइवेट स्कूल में आप लोग बने तो सोचो कि लाइफ ख़त्म।